है तमन्ना हमें तेरी दुल्हन बन जाए, इन हाथों पे मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा दे। मुझे इन दोनों की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं। बंद करो ये तुम दोनों का दुकान, मुझे यहाँ पे बैठना है, उठो। देखिए पहले हम लोग क्या बैठे, तो प्लीज आप लोग उधर जाके बैठ जाइए। कभी देख सकती नहीं सारी बातें सुनूंगी सोनिया। ये क्या कर दिया आपने, आपने गिटार क्यों तोड़ा? अच्छे से बोला तो तूने सुना नहीं, अब चला गया ना फालतू में गिटार। अब तू भी निकल वरना तुझे भी इस गिटार की तरह फोड़ दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान यहाँ की बच्ची ने ना मेरा गिटार तोड़ दिया, भगवान करे उस पर कीड़े पड़े। मैं तुझको अपनी आँखों में बसा के रखूंगी। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखिए मुझे सिगरेट का स्मेल पसंद नहीं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा उधर जाके सिगरेट पीजिए। क्या रे भाई, तुम लोग के रोज का नौटंकी है, कभी इधर बैठिए कभी उधर जाइए, क्या लगा रखा है? तेरी दोस्त तो शांत बैठी है, फिर तुझे क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? वो क्या है ना, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो तुम जैसे बदतमीज लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहती। ज्यादा जबान चल रही है ना तेरी, तेरी तो सॉरी बोलती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। ले छोड़ दिया, पर समझा देना अपनी दोस्त को, दोबारा मेरे साथ मुंह ना लगे, वरना जानती नहीं है स्नेहा को। चल अब निकल। तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया, मैं तेरे होठों पे। तूने उसे मेरी वजह से सॉरी क्यों बोला? क्योंकि एक तू ही तो है जिसके लिए मैं छुपने के लिए भी राजी हूँ। तेरे दिल से कभी खेलूंगी सारे राज अपने, मैं तुझको दे।
करने एक लिमिट होती है। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो ये लिमिट क्रॉस मत करना। ये जान है मेरी, अगर इसे खरोच भी आए ना तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। बाप रे इतना गुस्सा, तो क्या तुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत की इसने? ऐसे ही छोड़ देती मैं। शिट, इसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगी कि सोचने वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तेरी, हाँ डेकोरेशन एकदम मस्त होना चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है आज, तुझे खुश। आज सबको लगता है मैं उसके बर्थडे भूल गई, पर मुझे तो याद है। उसे घर जाकर सरप्राइज दूंगी ना, वो तो खुश हो जाएगी। कभी देख सकती नहीं सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया। आशा, आशा, आशा उठना, आशा चोट कैसे लगी? आशा, सपने मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान। तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जी। मर्डर हो गया है। क्या, किसने मारा उसे? नहीं पता। मैंने नहीं मारा आस्था को। माना कि मैं छोटा मोटा दंगे फसाद करती हूँ, पर मर्डर मेरी बस की बात नहीं है। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। जिसने भी आस्था को मारा मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगी। अगर नहीं कर पाया तो मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। One day. एक दिन में पुनी मेरे सामने चाहिए, वरना एक दिन खत्म होते ही तेरा अर्थ ही उठेगा। And your time starts now. पता लगाना होगा किसने मारा इस आस्था को, वरना ये सोबा हमें जिंदा खा जाएगी। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया। मुझे पता है शोभा, तुम अपने दोस्त को बहुत मिस करती हो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैंने तुझे एक दिन का टाइम दिया था, उसमें से 16 घंटे बीत चुके हैं। मुझे पता है, और मैंने भी बोला था मैं आस्था के कातिल को सामने लाऊंगी, और वो देख वो तुम्हारे सामने है। मैं तुझको दे दूंगी, लेकर आ साले को। तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया। कौन है ये? यही तो है मास्टरमाइंड, तुम्हारे दोस्त का कातिल। मैं तुझे जाने लगूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छू। ओए होए, कहां जा रही है तुम? चलो इनसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। हवाले दूंगी और
कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाऊंगी। थैंक यू नेहा, तेरी वजह से मैं अपने दोस्त का बदला ले सकी। वाह, क्या गेम खेला है आपने। शोभा के बच्चे खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, इस बार उसे भनक भी नहीं लगा मेरे प्लानिंग का। लॉल। खूनी मेरे सामने चाहिए, वरना एक दिन खत्म होते ही तेरा अर्थ ही उठेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक दिन का तो टाइम ले लिया आपने, पर करना क्या है, सोचा है आपने? मिल गया मुर्गा। मतलब बोड़ा, वो देख रही है। हाँ वही है आज का मुर्गा। इस गुंगे को सुबह के पास लेके जाएंगे और एक झूठा कहानी बनाकर बोल देंगे कि इसने ही मारा है आस्था को। फिर सुबह उसके बातों पे भरोसा कर लेगी और ये बेचारा गुंगा उसे क्या ही सफाईया देगी। फिर इस बार गेम हमारा। अगर बोल पाता तो बच जाता और हम लोग ऊपर जाते। चुप 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 बोल, क्योंकि ये पहली बार हम लोग की जीत हुई है। दिन में सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि शोभा के रहते हुए तू कभी नहीं जीत सकती। इतनी अच्छी राइटर नहीं है तू, अगर अच्छा राइटर हायर किया होता तो शायद तू जीत जाती। क्योंकि जब ये गुंगा बोल ही नहीं पाता तो तेरे कहानी में बोला कैसे पे? हमारी तो अल लग गई हमेशा की तरह। अब क्या करे, हमें माफ कर दो। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनी।